हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का जो है चैप्टर 7 शूट सिस्टम, यानी शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है प्रोह तंत्र। ये जो है दोस्तों 11वीं क्लास और 12वीं क्लास जो है जो NCERT के चैप्टर उनको भी ये कवर करता है। आपको जो है ये दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट होगा, आपके समक्ष जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाई जाएगी एक अलग अंदाज से, ठीक है। इसमें जो है शूट सिस्टम के बारे में यानी प्रोह तंत्र के बारे में हर एक जो है ब्रीकी को हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चीज़ होती क्या है और ये किस तरह जो है आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट सीड्स में अपनी इंपॉर्टेंट योगदान देता है, ठीक है। तो लेकिन जो है ये चैप्टर जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट इज अवर इम्पोर्टेंट टॉपिक, इट्स अ लीफ। लीफ इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। सो लीफ इज द फ्लैटेंड एंड एक्सपेंडेड लेटरल अपेंडेज ऑफ स्टेम और ब्रांचेज डिवेलपिंग फ्रॉम इट्स अ नोड। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम टू लीफ इज अ प्रीडोमिनेंस इज अ फॉर्मेड बाय द शॉर्ट मेरिस्टेम एंड द वेयर इज द बर इज इट इज एक्सिल इज कॉल्ड एक्सिलरी बर। इट इज द शीट ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इज अ साइकोलॉजिकली प्रोसेस लाइक अ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ रिस्पिरेटरी इज अ विसाइड देयर इज अ प्रोटेक्टिंग एक्सिलरी बर द लीव्स can get modified into the structure for storing food and water, clambings and vegetative progression. So important of a leaf for a plant. Their first point is the structure of leaf. The typical leaf has a three parts is a mainly. The first is a leaf base. What do we mean to the leaf base? The lowermost part of the leaves by which it is attached to the stem node and it may be expanded as I said it in a monocots. Are where to lateral outer growth is a stipules as a dicot in a dicot. And there a second point is a petaloids. It is the stalk of leaf and the leaf can be petaloids with the petals as it is a maybe a dicot or a stalis is a without petaloid as a most monocots. Petaloids as a maybe get a modified and as well as a water hack myth in their development wings. Example orange. For a become a flat like a leaf is Australian acacia. And third is a lamina as a leaf bladder. It is a green things flattened and expanded part of leaf with the vena and their velinators transverse through their surface. The most prominent venous is running from the base to the apex and present in the middle of leaf, but it is called midribs. The veins is a provide to support and contact water minerals and prepared to the food. Leaf shows a lot of variation in their
First is a shape or lamina. It is showing the example and their picture. And the leaves is the apex is the showing the figure. And the leaf merism. There is showing this picture. Friend, here showing this picture leaf and it is a part. There are first of all understanding a leaf of part. Here the leaf apex, leaf merism and membranes. And the lamina also present. There are petaloids and the leaf base. Alexandria burrs and stipule. There is second is a variation of leaf shape. Friend, here is a different types of leaf in the shape. And here also show in this a variation the leaf apex and the variation of leaf merism. There is a variation of leaf apex and here is the leaf merism. There are different shape and different size on their leaf. The next part is a ventation in the leaf. Friend, the arrangement of the venous and the venulates into the lamina is known as the ventration. It is a two types. Is a reticulate ventations, the venous forming a network of dicots and showing the example and the picture. The parallel ventrations, a venous arranging in the parallel rows, example monocot. There is a showing this figure. An reticulate of the parallel ventration may be a unicostate with one mid of ribs giving out of secondary venous like in the feathers and as a perinate or multicostate. Having many strong veins are spreadly out from a common point like a finger from a plane and the plamentary is seen in this figure. Here show in this picture regulated ventation and parallel ventation. There is a simple shape and there is a plant is a perinatate. Splenate is a strong venous from the pericles and the reticulate network and the parallel ventration is the very simply and here is present of your garden and your field. दोस्तों यहाँ पर जो है पत्ती हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम भी उससे इंपॉर्टेंट है. कहते हैं प्लांट के लिए पत्ती तो होता है इसके जीवनदायक होता है क्योंकि उसी से जो है वो अपना भोजन बना पाती है. और यहाँ पर जो है पत्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है तो पत्तियों के बारे में जानना आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है. और कई एग्ज़ाम को अगर टारगेट करते हो अगर एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हो तो इसके बारे में जानना अत्यंत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पत्ती और फ्लावर के बारे में ज़रूर क्वेश्चन कुछ ना कुछ दिया जाता है क्योंकि ये टेंथ बेस पे भी होती है और प्लस टू बेस पे भी होती है. और कहते हैं कि अगर आप इन सब बातों को समझ लेते हो तो कई एग्ज़ाम जो है आपके अच्छे से अच्छे हो सकते हैं. तो इसको दोस्तों सिर्फ ये मत सोचिए कि किस क्लास का है, सिर्फ ये सोचिए कि आपको इससे क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है और क्या समझ में आया है. कहते हैं आज का समय बहुत ही बदल चुका है, यहाँ पर बच्चों ज्ञान कम चाहिए और इनको जो है सिर्फ एग्ज़ाम में पास होना है. कहते हैं आज बच्चे जो होते हैं एमए बीए भी कर लेते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन ज्ञान जो होता है कुछ भी नहीं रह जाता. तभी तो भारत महान है, ठीक है. और कहते हैं कि यहाँ पर जो है शिक्षा की भरमार है लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर गरीबी, भुखमरी और कहते हैं बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं. कारण क्या होता है, बेशक लिए पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े क्लास पास कर जाते हैं लेकिन उनके पास जो होती है अपनी कैपेबिलिटी नहीं पैदा हो पाती कि वो क्या करें और कैसे करें. फिर हम सरकार पे दोष लगाने लग जाते हैं कि सरकार हमें जॉब नहीं देती. अरे जॉब तो आपको खुद पैदा करने की आवश्यकता है. सरकार क्या करेगी, सरकार थोड़ी जॉब पैदा करती है. अगर मान लीजिए आप समझदार हो, काफ़ी एक्टिव हो चुके हो, आपको एक नया आइडिया है तो आप कोई बिज़नेस छोटा मोटा लगाते हो, धीरे धीरे बिज़नेस जो है तरक्की करता है और आप अपने साथ 10 बंदों को और लगा लेते हो तो आपने बिजनेस पैदा किया ना, सरकार ने थोड़ी किया है. सरकार क्या है, वो तो आती है चली जाती है, वो उस पर कॉमेंट कर रही होती है, वो उसको कॉमेंट कर रही होती है, कोई उसको जेल भेज रहा होता है, कभी उसको जेल भेज रहा होता है. यही तो सरकार होती है, सरकार का कोई अर्थ नहीं होता है. करना है तो आप लोगों स्वयं ही देश को तरक्की में जो है भागीदारी निभाना है. वो तो आते रहते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि हम देश को जो है विकसित कर देंगे. सभी नेता यही बोल के आते हैं और यही चले जाते भी हैं. इनका कितना साल तक होता है, 5 साल तक आते हैं, 5 साल तक अपनी जो है झूठे बड़ी सपना दिखा देते हैं और चले जाते हैं. लेकिन हम लोग जो है अपनी मेहनत से जो है देश को तरक्की करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं. छोटी छोटी बातों को जो है ध्यान दे दे के जो है हम अपना जीवन के साथ साथ देश के जो है अग्रसर बना सकते हैं. तो यही बात इम्पोर्टेंट होता है आपके एजुकेशन पे कि एजुकेशन का मतलब दोस्तों है कि आप जो है छोटी से छोटी बातों को अच्छे से समझिए, ठीक है, और देखिए कि उसमें क्या एनालिसिस किया जा सकता है और क्या हमारे लिए समझ है. तो पत्ती भी एक महत्वपूर्ण होता है. आप देखिए
पत्ता जो है किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रखता है, वो अपना भोजन स्वयं ही बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि दूसरे पर निर्भर रहना क्या होता है। सूरज की रोशनी पड़ती है जो कि फ्री में मिलती है, और वो जो है उसका लेता है और अपने लिए भोजन तैयार करता है। तो आपको भी अपने लिए भोजन तैयार करने की साधनों को जुटाना पड़ेगा, दूसरे पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अच्छे से एजुकेशन प्राप्त किया है तो आप इसके लिए जो हो पूरी तरह से सक्षम हो जाओगे। ठीक है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे जो है लीफ में यानी पत्तियों में क्या बातें छुपी हुई है और कौन सी राज जो है हमारे समक्ष आने वाला है। कहते हैं पत्तियां जो है पत्ती चपटे एवं फैली हुई संरचनाएं हैं जो तने तने शाखाओं का पार्श्व उपांग है तथा उनकी जो है पर्व संधि से निकलती है। यह प्रौढ़ विजोत्तक यानी शॉर्ट मेरिस्टेम से निकल पर्ण अध्यक्ष यानी लीफ प्रोडोमिलम्स से विकसित होती है। इसके वक्ष में कलिकाएं होती है जिसे हम कक्ष कलिकाएं यानी एक्सिलेंडी बर्ड कहते हैं। देखिए दोस्तों, कलिकाएं जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर चाहे तो हम इससे भी कलम आगे बढ़ा सकते हैं। तो कलिकाएं यानी बर्ड्स जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पत्ती वह प्रमुख स्थान है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण वर्षजन तथा श्वसन की क्रियाएँ संपन्न होती है। कक्ष कलिकाओं की सुरक्षा के अलावा पत्ती जो होती है खाद एवं जल संग्रह आरोहण कार्य के प्रबंधन यानी प्रोग्रेशंस आदि के लिए रूपांतरित हो जाती है। यानी कार्य के प्रबंधन का मतलब समझ गए होगे दोस्तों, प्रोग्रेशन का मतलब यही होता है कि इसको कलम लगाने के लिए जो होता है ये काफ़ी सक्षम होता है। उसके पश्चात देखिए, उसके बाद है पत्तियों की संरचना। तो पत्ती की संरचना जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, पत्ती की संरचना में जो सबसे पहले आता है वो आता है लीफ बेस यानी पर्णधार। लीफ बेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पत्तियों के लिए। यह पत्ती का सबसे निचला भाग है जिसमें वह जो है पर्व संधि से जुड़ी रहती है। एक बीजपत्री में यह अछद्र की तरह फैला होता है तथा द्विबीजपत्री पौधों में जो है पनाधार पर अनुप्रयुक्त स्टेपल्स नामक पश्व अति वृद्धियाँ पाई जाती है। उसके पश्चात दूसरा जो है पर्णवृत्त यानी पेटोलॉइस। यह पत्ती का वृत्त स्टॉल्क है। पत्ती जो है वृत्त युक्त यानी पेटोलॉट जैसे कई द्विबीजपत्री या वृत्तहीन सेलेसिस जैसे अधिकतर एक जीवपत्री पौधों में पाई जाती है। पर्णवृत्त रूपांतरित होकर जो है फूल सकता है जैसे कि जलकुंभी में होता है। ये दोनों ओर पंख रूपी यानी जैसे संतरा या सामान्य पत्ती की भांति चपटा जैसे अस्टाई बबूल में होती है। यानी आप देख सकते हो कि पत्तों की जो है बहुत तरह की किस्में जो होती है हमारे समक्ष प्रेजेंट है, और उसके बारे में जानना जो है और भी रोचक रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा, आप बगीचे में चले जाओ, अपने आसपास के क्षेत्रों में चले जाओ, आपको जो है पत्ते दिख जाते हैं। तो उनके बारे में आप जानिए कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है। कहते हैं बहुत सी बातें जो है इनकी पत्तियों में भी छुपी हुई है जिसको जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है पर्ण फलक यानी लेमिनस ऑफ लीव ब्लेडेड। यह पत्ती का हरा पतला चपटा तथा फैला हुआ भाग है जिसकी सतह पर अनेक सिरा यानी वेनस एवं छिड़काएँ वेलेनेट्स फैली रहती है। जो पर्ण फलक जो है ये काफ़ी के कहते हैं कि मध्यम में आधार से शीर्ष तक जाती है, और कुछ एक प्रमुख सिरा भी पाई जाती है जिसे हम जो है मध्य सिरा के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मिड रिब्स कहते हैं। ठीक है, सिराएं पत्ती का सहारा देती है तथा जल खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थ का जो है परिवहन करती है। ठीक है, पत्ती में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला तो है पर्ण फलक की आकृति, पर्ण शीश और पर्ण किनारा। यहाँ पर आप पत्तों की डायग्राम देख रहे होंगे दोस्तों। ये पत्ता जो है आम है, इसको आप कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी इसको रिसर्च कर सकते हो। सबसे पहले तो हमारे ये बात जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक पत्ते में कौन कौन से भाग को क्या कहते हैं। जो सबसे ऊपर वाला टॉप होता है उसको पर्ण शीश कहते हैं, उसके बाद पर्ण सिरा कहते हैं, और बीच वाले को मध्य सिरा कहते हैं, लेमिना कहते हैं, और इसके पश्चात जो है पर्णवृत्त पत्ती के आधार वाले पार्ट को कहते हैं। कक्ष लय कलिकाएँ अनुपम यानी सारे पार्ट जो होते हैं पौधों के पार्ट को कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है। अब दूसरा चित्र में आप देख सकते हो जिसमें पत्तियों की आकृति में विविधता दिखाई गई है कि पत्तियां जो है कितने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, कैसे कैसे पार्ट हैं। ठीक है, तभी तो कहते हैं जैसे इनके पत्तियां होती है ऐसे इंसान होते हैं। ठीक है, सब जो है अलग अलग टाइप अलग अलग जो है रूप होते हैं, लेकिन सबका काम है जो है सर्वाइव करना। दूसरे में जगह देख सकते हो आपको कि यहाँ पर भी पत्तियों की जो है डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट पत्तियाँ दी गई है, जो आपके बगीचा या आपके घर के क्षेत्र के आसपास कहीं भी दिख सकता है, समझ सकते हो उसको लाके, और उसकी जो विविधता के बारे में जो है अध्ययन भी कर सकते हो, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, उसके पश्चात है हमारे समक्ष जो है पत्तियों में सिरा विन्यास यानी वेंटेशन इन द लीव्स। अब वेंटेशन क्या होती है, इसमें पत्तियों में सिरा निवास क्या होता है, विन्यास क्या होती है, वेंटेशन क्या होती है।
कहते हैं पंडफलक पर सिरा होता है, सिरकाओं की जो व्यवस्था के सिर विन्यास कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है जलिकारूपी, जलिकारूपी जो होती है रेटिकुलेट कहते हैं उसको। सिरा विन्यास, सिराएं जाल के रूप में फैली रहती है, जैसे कि द्विबीजपत्रियों में पौधों में देखने को मिलता है कि ये जो होती है जाल की तरह फैली होती है, तो इसे हम द्विबीजपत्री में देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। और दूसरा जो है समांतर, यानी सिरा बंद, सिराएं परंपर समांतर होती है, जैसे हम एक बीजपत्री में देखते हैं, डाइकोट में देखते हैं। और जो है रेटिकुलेट जो है आप हमेशा जो है इसको जो है दूसरे वाले में द्विबीजपत्री यानी मोनोकोट्स में देख सकते हो। और जो पैरेलल्स होते हैं वो जो है एक बीज पत्रियाँ डाइकोट में, इसको जो है बहुत आसान तरीके से देख सकते हो, जो कि काफ़ी इसको महत्वपूर्ण भी बनाता है। कहते हैं जलाकुरूपी एक समांतर सिरा विन्यास, एक सिरा यानी यूनिकोस्टेट हो सकते हैं, जिसमें केवल एक ही दृढ़ मध्य सिरा होती है, जैसे पंख की भांति अनेक जो द्वितीयक सिराएँ निकलती है, अंत पिछकार यानी पिनेट्स कहलाती है। अर्धबहु सिराएँ जिसमें से अधिक दृढ़ मुख्य सिराएँ केंद्र में हथेली और उंगली जैसे निकलती हुई है, उसके दूसरे सिरा जो है चली जाती है यानी हस्तकला यानी फ्लेमेंट कहलाती है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि हम इसी की बात कर रहे थे जो कि लास्ट में है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप देख रहे हो। देखिए सब जो है किसी न किसी जैसे लगता है, जैसे कि हम मेढक के जो है पैरों को देख रहे हैं, जैसे कि किसी जो है बैट के पैरों को देख रहे हैं, तो पत्तों में भी देखिए कितने वेरिएशन है और कितनी इसकी विविधताएँ हैं, जो शायद आपको यहीं पर पता लगेगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर हर चीज़ बताने की कोशिश किया जा रहा है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है पत्तों के प्रकार, फैन देयर नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ द लीव्स। व्हाट डू मीन टू टाइप्स ऑफ लीव्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल एंड कंपाउंड। फैन हेयर आर देयर सिंपल लीव्स ऑफ कंपाउंड, द सिंपल एंड कंपाउंड। Some the leaves appear to the board is the axial. You can recognize to the compound leaf from the simple one by their locating their axillary bur. A bud is the present in the axil of the both of simple and compound leaves, but not in the axil of leaf flat. The difference between the two types of leaves are given table. First is the simple leaves, a second is a compound leaf. The first is a simple leaf is the it leaf has a single undivided part and lamina. A second compound leaf is the lamina is divided into the many segment called to the leaf flagellates. And second it is divided the inflorescence do not is touch it is the midribs. And compound leaf is the inflorescence touch of the midribs. And secondly is the types of compound leaf is the types of compound leaf is the pinnate and plumate. There is a pinnate is the leaflets or attached to the midribs of the cheese and they are arranged to the laterally. And the plumate is their leaflet is dilated from the end of petaloids like a finger of a plum. And the first second part is a leaflet on the midribs may be get a further divided from to compound leaf that is a unpluminant bipinnate and tripinnate and the discompound. There is a plumate is the second is depending upon the number of leaflet, compound leaves and by floatates and triflotates and quadrate floatates and mainly floated. So in this figure, the plumentary compound leaves and its types. The axillary bud is also present on their leaves and the plumentary compound leaves. The different types of leaf is the plumentary compound leaf and the types on here. And second is the pinnately compound leaves and its types. The different types of leaf is present on the plant. दोस्तों हमारा अगला पाठ जो है पत्तियों के प्रकार। देखिए पत्तियों के प्रकार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना योगदान यहाँ पर रखता है, ठीक है। कहते पत्ती दो प्रकार की होती है, एक सरल यानी सिंपल तथा एक होती है संयुक्त यानी कंपाउंड। क्योंकि पत्तियों के कक्ष में जो है कलिकाएँ होती है, अंततः आप संयुक्त पत्तियों के सरल पत्तियों से विभिन्न कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए जो है आपको कक्षीय कलिकाएँ की स्थिति पता लगानी पड़ेगी। कलिकाएँ दोनों सरल तथा संयुक्त पत्तियाँ के कक्ष में पाई जाती है, परंतु संयुक्त पत्तियों की जो है वर्ण को यानी लीफलेट के कक्ष में नहीं है। दोनों प्रकार की पत्तियों में अंतर जो है तालिका में दिखाने की कोशिश किया गया है, तो आप देख भी सकते हो कि एक हमारा सरल पत्ती दूसरा है संयुक्त पत्ती, ठीक है। इसमें जो बताया गया है कि पहले वाले में कि पत्तियों में पर्ण फलक यानी अवंछनीय यानी टायर्स होती है, अर्थात बटा हुआ नहीं होता है, जबकि संयुक्त पत्ती में जो है पर्ण फलक अनेक छोटे इकाइयों में बटी हुई होती है, जिन्हें हम पर्ण लीफलेट भी कहते हैं।
ठीक है। दूसरे बात बताता है कि यदि फर्न प्लग के किनारे में कटाव होता है तो कटाव जो है मध्य सिरा तक जो नहीं होती है, यानी मध्य सिरा तक ये नहीं होती है, ऊपर ऊपर ही होती है। जबकि संयुक्त में ये बात बताई जाती है कटाव मध्य सिरा तक पहुँच जाती है, जो कि इसको एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डालती है। दूसरा जो है हमारे समक्ष जो है संयुक्त पत्ते के प्रकार, देखिए अब संयुक्त पत्ते जो पत्तियाँ हैं उनके भी अब प्रकार बन गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखती है। इसको जो हम पिचकार या हस्तकार कहते हैं, पहला जो का पिचकार कहलाएगा, दूसरा जो का हस्तकार कहलाएगा। तो पहले वाला में जो है मन के मध्य सिरात्मक रेक्युलस से जुड़ी होती है, तथा पार्श्व रूप से ये व्यवस्थित रहते हैं सदैव, ठीक है। पर्ण वर्ण इसके अध्य सिरे के जुड़े रहते हैं तथा हथेली जैसे निकली उंगलियों की भांति प्रतीत होते हैं। ये हस्तकला का नाम भी हस्तकला और इसका जो है डायग्राम भी हस्तकला जैसा ही होता है, जैसे हम चित्र में भी अभी देखेंगे, ठीक है। पर्ण तथा मध्य सिरफ फिर से विभाजित होकर जो है एक पिचकी यानी मिनी पेनिनेट्स, द्विपिचकी बाइपेनिनेट एंड त्रिपेनिनेट ट्रिपलेट नेट्स तथा विभाजित पत्ती बनाती है। जबकि दूसरा हस्तकला में जो है वर्ण की संख्या पर आधारित जो है द्विपर्णित त्रिपंथी चतुर्पंथी तथा बहुपंथी प्रकार की संयुक्त पत्तियाँ करती है। इसमें जो है बाई फ्लैटेड ट्राई फ्लैटेड एंड क्वाड्रेटर फ्लैटेड एंड मल्टी फ्लैटेड प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप चित्र में भी यहाँ पर देख सकते हो, हस्तकला में देख सकते हो कि ये हाथों की उंगलियों के जैसे आकृति दिखाई दे रही है, सभी के सभी जो है हस्तकला यानी हाथों की उंगली की तरह दिखाई देती है। और इसमें त्रिपर्णी यानी बहुपर्णी सब नज़र आते हैं। जबकि यहाँ पर दूसरे डायग्राम आप देखोगे पिचकार संयुक्त पंक्तियों के आकार में देखोगे, जिसमें संयुक्त है कई जो है साथ में जुड़े हुए पत्तियाँ आपको नजर आएगा, जिसमें द्विबीजपत्री त्रिबीजपत्री और जो है युक्त हो सकती है। तो यही जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है, क्योंकि ये पत्तियाँ हैं, देखिए पत्तियाँ को अपना एक विशेष रगड़ी होती है, अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोनोटैक्स। What do you mean to phloronotaxis? It is the arranging of the leaves on the stem or branches. The orientations and arrangement of leaf is such that there is get a appropriate amount of sunlight for a photosynthesis. It is of three types: alternate, opposite. The first is alternate. This is a single leaves arise at each cord nodes, and the China rose and the mango is the example. Second is opposite. The leaves occur the pair at the each nodes. This arrangements may be there is a two types decussated when there are successive pairs of leaves at the upper and lower nodes are the right angles is example tulsi clotopis means tulsi. And second is a proposite when the successive leaves pairs at the upper and lower nodes are the set in the same plant of guava, the example of guava. Friend, here's the third point is about Wallred, there is a when there are more than two leaves at the each nodes and arrange in the circle and whorl nucleus. Here so in this picture is a phloronotaxis. There is the first is the opposite discarded and second is the opposite superposite and the whorl is and underlined there is present. The next topic is modification of leaf. Friend, what do you mean to modification of leaf? The thought that a function of leaves is to synthesize food. In the some case they get a modified into the distorted structure to perform a special functions like a support and protection to be a plant and a storage of food and water or the catch insect as the case of insectivorous plant. And so in this table here modification of leaf there is a first is type, second is a character and third is example. The leaves is a tendrils, is a type. There is a here leaves are leaflet get modified to form a thing where less closely coil and sensitive structure called to the tendrils that is a help to the plant to the claim of support. Example, pea, galleries, lilies. And second is a spiny. Spiny is there the leaves and modified into a sharp and pointed structure which protect the plant and help to the reducing or transpirations. The example is third is a prickly poppy and the genus Pinnatius allowed. The third is important. Phloronotaxis is the third and the petrites compound leaves is a common flattened leaves like a help in the photosynthesis. The leaflet is gradually is disappear. The third point is the Australian acacias is the example. And fourth is a leaf of the Instructovarius plant. It means it is a pitcher plant. There is all leaves get a modified into the pitcher. Well, there is a blood-worded
blooded body and some segment is leaves get modified into the bladders and they help with the trapping of insect. So example, pitcher plant is a nephrothels and bladder wall is a uricolularius plant. Here showing this picture, the clear modify of leaf of tundra, spans, pitcher plant, a bladder wall. There is a different types of plant on present or our environment. The heterophyllis is a heterose is a different. Some plants show the more than one types of leaves. In the same plant, this is a phenomenon is called heterophyll. There is a, what is the heterophylls? There is a more than one types of leaf. Some plants show the more than one types of leaves in the same plant. Is phenomenon is called to the heterophyll. It is a found in some plants which is a reminder partly submerged in the water. The water settle nut and the lipophilia is example this plant. इसमें जैसे कि दोस्तों आपको पता ही कि पर्ण विन्यास क्या होती है. पर्ण विन्यास जो होती है फेलोटॉक्सिस कहते हैं. फेलोटॉक्सिस जो होती है पर्ण विन्यास कहलाता है. तो पर्ण विन्यास का मतलब समझ ही गए होंगे. इसमें कहा जाता है इसका अर्थ यही होता है कि तना या शाखा पर पत्तियों के लगने की व्यवस्था को जो है पर्ण विन्यास कहते हैं. देखिए तना या शाखा पर पत्तियों के लगने यानी पत्ती जो अरेंजमेंट पत्तियों का होता है किसी भी पेड़ में, ठीक है, किसी भी पौधा में, तो उसी को ही हम पर्ण विन्यास कहते हैं यानी फेलोटेसिस कहते हैं. तो ये आप तो समझ में आ ही गया कि फेलोटॉक्सिस का क्या अर्थ हुआ, क्या मतलब हुआ. तो याद रखना कि तना या शाखा यानी जो इसके जो होते हैं ब्रांचेस पे जो लगाए लगे होते हैं, जो लगने का जो अरेंजमेंट तरीका होता है, उसी को जो है हम यहाँ पर पर्ण विन्यास या फेलोटॉक्सिस कहते हैं. पत्तियों की व्यवस्था क्रम इस प्रकार होती है ताकि उन्हें जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त प्रकाश मिल सके. यह तीन तरह की करती है. आपको पता है कि मेन जो कार्य होता है पौधों में पत्तियों का वो होता है उनके लिए भोजन बनाने का. तो उसी तरह से उसके अरेंजमेंट करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और कुदरत ने उसको ऐसे अरेंजमेंट किया है कि जो है प्रकाश जो है पूरी जो है पत्तियों पर पड़े और उससे जो है वो भोजन बनाने में सक्षम हो जाए. तो इसमें सबसे पहले तो आता है एकांतरण, जिसका अर्थ इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट. एकांतरण का दोस्तों मतलब होता है अल्टरनेट आपके इंग्लिश में. कहते हैं प्रत्येक सर्वसंधि पर केवल एक ही पत्ती जुड़ी होती है. याद रखना इसमें एक ही पत्ती इसमें जुड़ी होती है. एग्जाम्पल गुड़हल हो गया आम. आम में देखोगे सिर्फ एक पत्ती जुड़ी रहती है, इसमें कई शाखाओं में नहीं जुड़ी होती है, एक ही पत्ती जुड़ी हुई होती है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके पश्चात है सम्मुख यानी ऑपोजिट. इसका प्रत्येक प्रसंधि दो पत्तियों से जुड़ने के सामान्य पाई जाती है. दो प्रकार की होती है, एक क्रांसित यानी डिस्कॉसेटेड. जब ऊपर तथा नीचे की सर्वसंधि जुड़ी पत्तियों से जोड़कर दूसरे के साथ समकोण बनाती है, उदाहरण तुलसी के पौधे आप देख सकते हो या कलोपोटिस की जो है पौधे वो देख सकते हो आपके समक्ष. उसका आधार रोपित होती है यानी सप्रोपोस्ट. जब ऊपर से नीचे की प्रसंधि पर जुड़ी पत्तियों के जोड़े ठीक एक दूसरे के ऊपर एक ही तल में पाए जाते हैं, जैसे अमरूद का आपने देखा होगा, तो अमरूद का जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. तीसरी बात जो है चक्रीय यानी वोल्डेलेट. जब प्रत्येक जो है सर्वसंधि पर दो से अधिक पत्तियाँ वित्त या चक्र में व्यवस्थित रहती है, उदाहरण जो है नेरियोलम. जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो, यहाँ पर जो है डिफरेंट दिखाया गया है. तो कहीं जो है आपको दिखाया गया तुलसी के पत्ते भी दिखाए गए हैं जो कि इसको एक विशिष्ट बनाता है, यानी पत्तियों की जो है अरेंजमेंट होने की क्षमता जो है आपको यहाँ दिखाया गया है कि कैसे कैसे जो है यहाँ पर अरेंजमेंट है. उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है पर्ण रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन कैसे होती है पर्ण रूपांतरण? तो कहते हैं दवी पत्ती का जो है मुख्य कार्य भोजन संश्लेषण करना है. तो आपको भी पता है कुछ पादपों में पत्ती विशिष्ट संरचना के रूपांतरित होकर इसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्य जैसे पादप के आधार पर सुरक्षा देना भी होता है. देखिए जब तक कोई जीव से अगर पौधों की बचाव नहीं होगी तो उसके लिए कुदरत ने कुछ बातें जरूर दे रखा होता है. दूसरी बात होती है जल तथा भोजन संग्रह करना तथा कीट भक्षी पदार्थों में कीट पकड़ने में मदद करना. कई जो प्लांट होते हैं वो जो है अपना आश्रय जो है कीटों को पकड़ के यानी कीटों को खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं. जैसे पिचर प्लांट होती है वो ऐसा ही करती है. तो सबका अपना अपना कार्य है, अपना अपना जो है रूल रेगुलेशन है. तो यही बात यहाँ पर बताया गया, पहला जो है प्रकार, दूसरा है लक्षण, तीसरा है उदाहरण. अब देखिए यहाँ पर जो है पर्ण प्रत्यान यानी लीफ टेंट्रिकल्स का जो है प्रकार एक तरह का है और इसका लक्षण क्या होगा? पतली होती है, ये तंतुनुमा होती है, कुंडलित होती है, संवेदनशील होती है, संरचना जिसे हम प्रत्यान कहा जाता है और जो
पौधों के जो है रोहों में मदद भी करती है। और उदाहरण जो है आपको पता ही है, मटर है, ग्लोरी लिली हो सकती है। तो मटर का पौधा तो आपको बेशक ग्लोरी लिली ना मिले, बट मटर के पौधा जो है आपके जो है बगीचे में कहीं भी आपको मिल जाएगा या खेतों में आपको देखने को मिल जाएगा, या आप खुद भी जो है ग्रोथ करवा सकते हो गमले उमले में, तो देखने के लिए तो इतना तो कर ही सकते हो। दूसरा है पर्णशूल यानी लीफ स्पाइन। देखिए पत्ती तथा उसका अंश तेज नुकीले जैसी हो जाती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है ताकि पादप की रक्षा तथा वसुजन दर कम हो सके। ये पौधा मैक्सिमम राजस्थान के साइड ही मिलती है जहाँ पर मरुस्थल क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें जो है अत्यानाशी और जिम्योन एपरनीसिया जैसे उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत है। ठीक है, उसके पश्चात जो है हमारा पर्ण भ प्रणव यानी फ्लोय नोट्स। ये संयुक्त वर्ण या पर्ण वृत्त चपटा पत्ती नुमा संरचना में रूपांतरित होकर प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। पर्णक धीरे धीरे जो है झड़ जाते हैं, ये जो है धीरे धीरे झड़ जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है ऑस्ट्रेलियाई एकोशिया जो है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। उसके पश्चात चौथा पॉइंट है कीट भक्षी पादपों की रूपांतरित पत्तियाँ। अब देखिए कीट भक्षी जो है जो कीटों को खा जाते हैं, ठीक है, पर्णपाती पादप जो है पिचर प्लांट में पूरी तरह जो है पत्ती घरी में रूपांतरित हो जाती है। इसको जो हम घटपर्णी पादप कहते हैं, यानी पिचर प्लांट को जो हिंदी में क्या कहते हैं, घटपर्णी पादप, पिचर प्लांट यानी घटपर्णी। तो इसमें पूरी तरह से जो है पत्तियां घरा में रूपांतरित हो जाती है, यानी घरे की तरह बनी होती है, ठीक है, जबकि ब्लैडर डबल में कुछ कुंडित यानी पत्ती थैली यानी ब्लैडर जैसी संरचनाओं में भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये संरचना कीटों को फंसाने में काफ़ी मदद करती है और इससे जो है वो अपना न्यूट्रिशन भी ग्रहण करता है। उदाहरण के तौर पर तो वही आ गया आपका घटपर्णी पादप या नेफ थिनियस एंड ब्लेड रबड़ यानी यूक्रोक्रोरिया। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो, जब चित्र में भी आपके समझ प्रस्तुत है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पत्ते दिए हैं। देख सकते हो कि घटपणी जो है यानी पिचर प्लांट जो है बिल्कुल घरे के समान है, और जैसा ब्लेड रबड़ जो है वो भी एक तरह से देखा जाए तो एक ब्लेड जैसी बनी हुई है। तो ये जो है अपने जो है जो भोजन करने के लिए जो है कुदरत ने इनको ऐसा बनाया है। उसके पश्चात वह विषम पर्ण यानी हेट्रोफिलिस। कुछ पौधों में एक से अधिक प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, इस स्थिति को जो है विषम पर्णता कहते हैं। ये कुछ जलीय पौधों में जो आंशिक रूप से जो है जल निगम जलों में डूबा हुआ होता रहता है, जैसे कि जो है सिंघाड़ा, लिमनोफिलिया। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल है, इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जो कि इसको एक विषम बनाता है यानी हेट्रोफिलिया को। फ्रेंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ लीफ। What do you mean to the function of leaf? Leaf perform a following function on the. Therefore, first is the photosynthesis. The leaves are manufacture food in the presence of sunlight. It's an important work for the function of leaf. The exchange of gases means stomata help to exchange of gas which are important for respiration and photosynthesis. And third is the transpirations. Transpiration means evaporations of excess of water in the vapor from a take place through the stomata which help in the ascent of the sap and the cooling of leaf surface. The cooling of leaf surface. And fourth is the guttations. Guttation is the excretions of excess of water containing salt take place in the liquid form from the leaf meristem in the plant growing in the humid climate. And fifth is modification for a special function. Modification of a special function in a container plant leaves perform a function like a manufacturing and storing food, providing to support and protection, vegetative progressions and trapping insect. दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो बात रखती है वो है पत्तियों के प्रकार, यानी पत्तियों के क्या फंक्शन है, क्या इसका जो है कार्य है, पत्तियां जो है पौधों में किस प्रकार से कार्य करता है। ये कई एग्जाम में जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। आपको इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो ये टॉपिक है पत्तों के प्रकार, ये आ ही जाएगा, ये 100% विश्वास है, ठीक है। तो पत्तों के प्रकार के लिए एक क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है किसी न किसी रूप में। तो ध्यान से सुनिएगा कि पत्ते के जो है कार्य क्या होता है, कैसे संपन्न करती है अपना कार्य। तो सबसे पहले जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण के रिगार्डिंग, देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती भोजन का संश्लेषण करती है। ये तो आपको पता ही है कि प्रकाश जो है संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती जो है भोजन संश्लेषण करती है। दूसरा जो इसका कार्य है गैस विनियम यानी एक्सचेंज ऑफ गैस। तो गैस विनियम में क्या होता है, इसमें विभिन्न रंध्रों द्वारा जो है गैस विनियम होती है
जो श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर गैस जो होगा एक्सचेंज नहीं होगा, गैस विनिमय नहीं होगा, तो ये अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं रह सकता। उसके पश्चात है वर्षोत्सर्जन। देखिए ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पत्तियों में। कहते हैं जो स्टोमेटा या रंध्रों द्वारा जो है अतिरिक्त जल का वर्षोत्सर्जन वाष्प के रूप में होती है, जो पत्तियों को सतह को ठंडा देता है तथा जो है रसारोहण यानी सेंट ऑफ सैप में मदद भी करता है, जो कि इसका इम्पोर्टेंट बात बताती है। कहते हैं उसके पास है बिंदु स्वत्र यानी ग्यूटेशंस, ठीक है। लेकिन ग्यूटेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्षोत्सर्जन जो होती है अगर पौधों में अधिक हो जाए तो पौधा जो होता है सूख जाता है, इसलिए स्टोमेटा जो होती है स्टोमेटा भी एक अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। जब भोजन बनाया हो जाता है पौधों को तो स्टोमेटा जो है बंद हो जाती है, जब उसको बनाना होता है भोजन तो खुल जाती है। तो स्टोमेटा जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है पौधों में वर्षोत्सर्जन को रक्षा के लिए, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है पत्तियों में, तो इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट रहता है। उसके पास है हमारा बिंदु स्वात्र यानी ग्यूटेशंस। ग्यूटेशन जो होती है नम जलवायु में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियों के किनारे से अतिरिक्त लवणीय जल की बूंदों के रूप में रिसाव यानी क्रेडिट्स होती है, यानी ये बूंदों के रूप में जो है रिसाव करती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं विशेष कार्य के लिए रूपांतरित भी हो जाती है, जैसे कुछ पादपों में पत्तियां जो है रूपांतरित होकर अन्य कार्य करती है, जैसे भोजन संश्लेषण तथा संग्रह, आधार में सुरक्षा कार्य का प्रबंध, प्रोग्रेशन तथा कीटों को फंसाना। तो आपको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट कार्य जो है पत्तियों का होता है, तो ये एग्जाम के लिए भी और कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। फ्रेंड इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। देयर आर फर्स्ट ऑफ जनरल फीचर। What do you mean to general feature? The leaves are most dicot is a plant is a dorus ventrals and oriental horizontal with their differentiate to the mesophyll. Where is a those of monocots are isobilaterals ordinate and vertically mesophyll is under differentiate. So VS of the leaves show the three main part epidermis, mesophylls and vascular system. Friend, the VS of leaf of showing three parts is epidermis, mesophyll and vascular system. The first of all of epidermis. The epidermis is a present on the both upper and lower surface of leaf. Friend, epidermis present is the upper surface and lower surface of leaf, means both side. The some epidermal cells give to rise to the guard cells. Some is guard cells that get a range of from openings call it stomata, is the opening of stomata, which helps exchange of gases from to photosynthesis and respiration and the evaporation of water vapor due to the transpirations. In a some monocots leaves, some epidermal cells, upper epidermis, and become enlarged for to the wolfworm cells, which are lost water so that the leaves will become a tubular and reduced to transpiration on the hot sunny day. And mesophyll consisted of chloroplast containing a parenchyma is the chlorochyma and is responsible for the carrying out of photosynthesis. It is differentiated into the phyllocerids and sponge cells, the dicot leaves. In a monocot leaves is a blastocyst tissue is the lurking through their mesophylls as only spongy tissue. Here is the basophyll cell, the occur below upper epidermis in dicot leaves, and cell are radically ignited to compactly arranged and possess abundant is a chloroplast and a spongy cell. There is occur below to the basophyll cells in the dicot leaf, and cell regular and closely arranged and contain the favors the chloroplast store the gas in the intercellular space. And third is a vascular bundle. There is a conjointed to the collaterals and closed in each bundle. Xylem is localized on the upper side, ventral and phloems on their lower side is a dorsal. The most vascular bundle are surrounding by the colorless parenchyma called to the bundle seated and border parenchyma. So in this picture, there is showing the picture of BS of dicot and dorsal ventral leaves. There is a part of leaf of VS digital. There is shown the upper epidermis and the last is the lower epidermis. And the velocytes, parenchyma, bundle seated, xylem, phloem, sponges and the parenchyma, substomatals and cavity also. And stomates is present and bundle seated at their side.
एंड सेकेंड इज द बीएस ऑफ द मोनोकोट इज एसोवेल्ट्रल लीव्स. देयर इज द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर डर्मिस इज द बोथ साइड. देयर इज द बंडल स्टेटेड एंड वैस्कुलर बंडल. मेसोफिल टिश्यू एंड सम स्टोमल चैम्बर स्टोमेटा स्लोरोकाइमा फ्लोएम जाइलम प्रेजेंट ऑन दिस लीव. देखिए दोस्तों, ये पार्ट जो हमारा है पत्तियों की आंतरिक संरचना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है पत्तियों की आंतरिक संरचना. तो कहते हैं सामान्य लक्षण जो इसके अंदर होता है, अधिकांश द्विबीजपत्री पत्तियों में जो है पत्ती पुष्पधारी अथवा क्षैतिज दशा में जो है अनिव्यक्त अथवा विभेदित जो है पर्ण मध्य तक यानी मेसोफिल्स युक्त होती है, परंतु एक बीजपत्री पादपों में पत्ती जो होती है समपक्षवर्भीय यानी आइसोल बायलेटरल अर्थात पर्ण विभेदित पर्णवेत्तक यानी मेसोफिल्स युक्त होती है. पत्तियों की जो उदरकाठ तीन मुख्य भाग दर्शाते हैं, ठीक है, एक है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस पर्ण मध्य तक और संवहन तंत्र. तो ये तीनों चीज़ों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है पत्तों के पत्तों में. कहते हैं हमारे लेयर जो इंसानी लेयर होते हैं उसमें भी तीन ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस डर्मिस सबकटन्स लेयर जो होती है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है. तो पत्तियों में भी उसी प्रकार से तीन लेयर ही जो है प्रेजेंट होती है. तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है बाह्य त्वचा. कहते हैं पत्ती के दोनों ऊपर तथा नीचे सतह पर पाई जाती है. इसके कुछ कोशिकाएं द्वार यानी गार्ड सेल्स होते हैं जो कोशिका बनाती है जो व्यवस्थित होकर छिद्र बनाती है. यानी ये जो है व्यवस्थित होकर जो है इसके कोशिकाएं द्वार यानी गार्ड सेल्स जो होती है छिद्र को बनाती है, जिन्हें स्टोमेटा भी कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन हेतु जो है गैस विनिमय तथा वाष्पन के सामान्य जल वाषण मदद भी करती है. कुछ एक बीजपत्री पत्तियों में कुछ बाह्य त्वचित जो है कोशिका जो ऊपरी एपिडर्मिस पर रहती है बड़ी होकर जो है फुला जो है बुल्ली फॉर्म्स कोशिकाओं का निर्माण करती है जिसमें जल बाहर निकलता है. इसके कारण पत्तियां जो है नलिकाकार हो जाती है ताकि तेज गर्मी में जो है वर्षोत्सर्जन कम हो सके. देखिए दोस्तों, कहते हैं पत्तियों में एपिडर्मिस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसमें जो है गार्ड सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है. आपको पता है स्टोमेटा यानी रंध्र का कार्य जो होती है, ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो गैस विनियम करना होता है और भोजन बनाने में पानी के जो है हर्षपत होने से बचाता है. तो ये जो होता है जैसे कि अगर तेज़ धूप पड़ता है खाना बनाया हो जाता है तो ये क्या करता है स्टोमेटा को जो होता है उसको बंद कर देता है, ठीक है, और जैसे भोजन बनाने का समय होता है स्टोमेटा खोल देता है. इससे क्या होता है पौधों से जो पानी होती है वो सूर्य के प्रकाश जो है वाष्पोत्सर्जन नहीं कर सके यानी जो है वेपरेट नहीं कर पाता है जिसकी वजह से पौधे जो होती है अपना जीवन बनाए रखती है. तो इसलिए कहते हैं बाह्य त्वचा का जो है एक महत्वपूर्ण कार्य यानी एपिडर्मिस का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर बनता है. उसके पश्चात है पर्ण मध्य तक. कहते हैं हरित लवक युक्त मध्यत यानी हरित उत्तक का बना होता है तथा जो है प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है. कहते हैं द्विबीजपत्रियों में यह दो प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित करती है. देखिए जो द्विबीजपत्री होती है उसमें दो प्रकार से जो है कोशिका को विभाजन करता है जो कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है. कहते हैं कि इसमें जो होता है संभोतक यानी पहले साइड जो होता था स्पंजी कोशिका भी कहलाती है. एक बीजपत्रियों को जो है मुक्त स्तंभोतक नहीं होती है केवल स्पंजी उत्तक में ही होती है, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमारा यही पॉइंट आता है कि संभोतक कोशिकाएं होती क्या है, ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे व्यवस्थित होती है. जो ऊपरी त्वचा बनती है उसके नीचे जो है ये व्यवस्थित होती है. इसमें जो है हरी लंबी पास पास व्यवस्थित कोशिकाएँ पाई जाती है और कहते हैं हरित लवक अधिक संख्या में जो होती है विद्यमान रहती है. इसमें दूसरा जो स्पंजी कोशिका क्या कार्य करती है, ये जो होती है ये करती है स्तंभक कोशिकाओं के नीचे स्थित होती है यानी जो उस जो हमने पहला पढ़ा था स्तंभोतिकी कोशिका उसके नीचे जस्ट जो है स्पंजी कोशिका पाई जाती है. यानी आप देखोगे कि उसमें काफ़ी एयर गुहा भरी रहती है जैसे चित्र में भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है. कोशिकाओं की आकृति जो है अनियमित तथा सिलसिला को व्यवस्थित से हरित लवण कम संख्या में उपस्थित होती है. अंतर कोशिकाएँ कोशों में जो है गैसों का संग्रह काफ़ी रहती है, ठीक है. उसके पश्चात जो थर्ड पॉइंट आता है यानी थर्ड पार्ट जो पत्तियों में होता है वो है संवहनीय पुल. ये संयुक्त पार्श्विक एवं बंद होते हैं, ठीक है, यानी बंद तरह के पाए जाते हैं. कहते हैं प्रत्येक पुल में जाइलम जो है ऊपरी सतह की ओर पुष्टीय स्थित होती है, ठीक है. अधिकांश संवहनीय पुल जो है रंगहीन मृद्रिक कोशिकाओं से घिरा रहता है जिसे हम बंडल या अछद्र अथवा सीमांतक जो है मुद्रतक कहते हैं. यानी आप यहाँ पर जो है जो बॉर्डर प्रोकाइमा को है देख भी सकते हो जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश किया गया है
इसमें आप देखोगे कि ऊपरी जो बाहर त्वचा है और निचली बाहर त्वचा यानी एपिडर्मिस अपर एंड द लोअर प्रेजेंट है। सबसे पहले तो यही बात आपको देखना चाहिए। मैंने स्पंजी पेरोकाइमा की बात बताई थी, देखिए स्पंजी पेरोकाइमा भी आपको दिख रहा होगा जो काफ़ी वाइट वाइट दिख रहा होता है और स्पेस खाली होता है यानी गैप होता है इसमें, ठीक है। एपिसेडेड पेरोकाइमा होता है, वंडिस शीत होती है, जाइलम फ्लोएम, स्पंजी पेरोकाइमा, अंतरित गुहा, स्टोमेटा गुहा, इससे सारे प्रेजेंट होते हैं जो कि काफ़ी इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। यानी रंध्र स्टोमेटा भी यहाँ प्रेजेंट होता है जो समय आने पर खुलता है और फिर बंद हो जाता है। उसके पश्चात जो है इसका दूसरा जो है वो तो हमारा था द्विबीजपत्री में, अब एक बीजपत्री में जो है सेम उसी तरह से डायग्राम भी आपके समक्ष होगा, ठीक है। इसमें जो है ऊपरी त्वचा और निचली तो रहती ही रहती है, बाकी बुली फॉर्म कोशिकाएँ ऊपर वाला पार्ट में होता है, ठीक है। पुल्ली बंडल सीत भी होती है, संबाइन बंडल भी होती है, मणिपुर उत्तक भी पाई जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जाइलम फ्लोएम इसमें भी पाया जाता है, सुरकाइमा रंध्र, तो इस कहते हैं दोनों होते हैं काफ़ी हद तक सामान्य होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है। तभी दोस्तों कहते हैं कि इनका जो कार्य है बहुत ही विशिष्ट है, पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए जो है अग्रसर रहते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है और कई क्लासों के लिए जो है इम्पोर्टेंट भी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल अपरेचर। फ्रेंड व्हाट यू मीन टू स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल अपरेचर इज अ डाइकोट लीव्स इज द स्टोमेटस अपरेचर इज अ मेड अप ऑफ टू सेमी सर्कुलर गार्ड सेल्स सराउंडिंग अ पोर स्टोमेटा शोन इन द फिगर। द गार्ड सेल इज अ कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा पोर स्पोर ओपन इन टू द इंटरनल सेलुलर स्पेस ऑफ मेसोफिल्स। द नंबर ऑफ शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा वेरीज एंड डिपेंडिंग अपॉन टू द प्लांट वेदर टू द सेरोफाइट एंड मेसोफाइट। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, सो द फर्स्ट इज अ प्लांट एंड सेकेंड इज स्टोमेटा करेक्टर एंड थर्ड इज अ एग्जाम्पल। फ्रेंड द फर्स्ट इज अ प्लांट इज अ डाइकोट, द फर्स्ट पॉइंट इज अ डाइकोट। There is a stomata's character is a guard cell semicircular and forms occur generally on the lower surface guard cell dembels. An example is a mango and a neem. A second is a monocot. Monocot is a guard cell is a demblade. There is example of mesins. And third is a exophytes. Exophytes is a to reduce a transpirations is occur only the lower surface and the absence of less number of the upper surface may be a sunken. Their example of nerium. And fourth is the heterophyta with the floating leaves with the upper meristem leaf. There is the occur only the upper surface stomata absent and the lotus hydrilia is example. Now you can compare to internal structure of dicot and monocot leaf from figure. Friend here table the difference between the internal structure of dicot and the monocot leaf. There are first a tissue, second dicot leaves and third is a mono cot leaf. The first epidermis, the epidermis stomata and below form cell. There is occur generally in the lower epidermis and here is the volucrum cell is absent. But monocot leaves thirdly is occur both upper and lower epidermis and present in upper epidermis. And second is a mesophyll, mesophyll tissue and the dicotyl leaf is differentiated into the blastocytes and the spongy pericyma. But monocot leaf is the only spongy pericyma and they are present. And third is a vascular system. The vascular system is the first, but second is in their form of network. But third is in a rose. And second is a vascular bundle in the midribs and resembles to large list of the vascular bundle, decreasing the size toward the leaf margin. The third is the other vascular bundle is the middle ribs, is a large but other vascular bundles are small, generally a small size. And next is a special feature is really form cell. There is a special types of cell, motor cells found in the upper lip surface and some monocot. Example, maxis, vajra, jwar. And they help the leaf to the roll and the unroll of the due to change into the turbidity. And there's a leaf's roll went to this. A cell's loss of water due to high rate of transpirations, especially at the midday on hot sunny day. And thus the under dry condition, their help in the reducing the loss of water vapor through the stomata. And second is a hair. The hair are present especially on the leaves on the plant growing in dry conditions. They check their rate of transpirations. And
नेक्स्ट पॉइंट इज देयर प्रोटेक्ट द लीफ फ्रॉम टू द ब्राइट सनलाइट हाई टेम्परेचर एंड एयर पोल्यूशन एंड थर्ड पॉइंट इज हाइड्रोथर्डेट्स इज अ वाटर स्टोमेटा हेयर देयर आर दिस आर द स्पेशल स्ट्रक्चर द प्रेजेंट द लीव्स ऑफ एनी एंजियोस्पर्म and gardens of mustard is occurring in the humid climate and through this is opening excretions of water and minerals a plus simple organics compound in the liquid from the gutations take place when the water absorptions by a plant is a more and transpiration is a less there is a heterothreaded is there a intercellular space epidermis Prasius and the stomata chamber epithelium. So in the diagram, there is second diagram is stomata aperture for the dicot leaf. There is a dicot leaf is the stomata, chloroplast, epidermis cells and guard cell is also present. There is a digital structure on your screen. The here show the difference between the stomata and heterodotate. Friend, the first is a character, second is a heterodotate and third is a stomata. The first of all of size. Size heterodotate is the large but third is a small. And location. Located at the venous and ending near leaf margins only. But third is a present. There is the present throughout their leaf surface. And a structure of way remind to the open but stomata they are open and closed to the depending upon to light intensity. And the loss of water. The water come out of the liquid from and the content dissolved to the salt and the sugar. And here the third point is a water loss in the vapor form. And the fifth point is the occurrence. The second time the heterodotate is the found in the plant of humidity area. Stomata in plant occurring in all climatic conditions. And sixth point is the psychologically process. Is the gutations, is the heterodotate and the transpiration of stomata. दोस्तों यहाँ पर जो है रंधीय उपकरण की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल अपरेचर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ठीक है इसमें जो है रंधों के उपकरण की संरचना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है ठीक है क्योंकि रंध जो होती है आपको पता है स्टोमेटा होती है स्टोमेटा का जो है एक तरह से जो है भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये एक्सचेंज ऑफ गैस करता है यानी गैसों का विनियम करता है प्लस जो है पानी को हर्ष से बचाता है और ये गार्ड सेल्स के रूप में भी रहता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है कहते हैं द्विबीजपत्रियों में प्रत्येक रंध में दो अर्धवृत्तकार द्वार कोशिकाएं होती है ठीक है जो द्विबीजपत्री होती है उसमें जो है रंध में दो अर्धवृत्तकार द्वारा जो कोशिकाएं होती है जो एक छिद्र स्टोमेटा यानी रंध को घिरी रहती है यानी स्टोमेटा जो होती है चारों तरफ से घेर रखी होती है द्वार कोशिका जो हरित लवणयुक्त होती है द्वार कोशिका का मतलब दोस्तों यही होता है कि सेल गार्ड की बात जो है वो हरित लवक होती है युक्त होती है यानी फोटोसिंथेसिस की रिगार्डिंग होती है यानी उसमें जो होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है रंधों में खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित भी करती है यानी इसका कार्य जो होता है गार्ड सेल का वो खुलने और बंद करने में जो है इसका नियंत्रण रहता है यानी इसी के कारण जो है ये खुलता और बंद होता है यानी रंध जो है छिद्र अंतर कोशिका गुहा या अंतरोद्रादी यानी कोस्टा सब स्टोमेटा चैम्बर देखिए यहाँ पर जो है गार्ड सेल इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर रहा है और इंसान में जो है एक जो जमान होती है यानी जो आपका टंग्स होती है वो इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है कोई भी चीज़ को मुँह में जाने से रोकता है तो काफ़ी सिमिलरिटी इंसान और पौधों में है जिसको आप जानना चाहोगे तो बहुत कुछ जान सकोगे ठीक है अगर आप इसको बहुत ही गंभीरता से समझोगे ना तो बहुत कुछ जो है आपको समानताएं दिखेगी रंधों की संख्या आकार तथा वितरण विभिन्न होते हैं देख कहते हैं कि रंधे जो होते हैं उनकी विभिन्न विभिन्न संख्याएँ होती हैं आकार विभिन्न होती हैं लेकिन रंध जो है छिद्र अंतर कोशिका गुहा अंतर कोशिका सब स्टोमेटा चैम्बर्स में खुलता है यानी ये कहाँ खुलता है दोस्तों ये रंध छिद्र अंतर कोशिका गुहा अंतर अधिक कष्ट में खुलती है यानी सब स्टोमेटा चैम्बर्स में ये जाकर खुलती है और कहते हैं इस पर निर्भर भी करती है और पादप मरुस्थ यानी जो है मरुभिद्र यानी एक्सोफाइटिस और मेसोफाइट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर भूमिका अदा भी करता है अब हमारे समक्ष जो आता है रंधों का वितरण मीन्स कि पादप रंध लक्षण और उदाहरण कि पादप कैसे कैसे होते हैं पौधे और उनका जो है रंध लक्षण कैसी होती है यानी एक तरफ जो है आपको पौधे दिए हुए हैं डिफरेंट जगहों के डिफरेंट कैटेगरी के और उसके पश्चात उसमें किस प्रकार के जो स्टोमेटा रंध होते हैं वो कार्य करते हैं और एग्जाम्पल के साथ दिया गया है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है
तो सबसे पहले पादप तो हम लेते हैं द्विबीजपत्री वाले पौधे। तो इसमें क्या होता है, रंध्र लक्षण क्या होती है, ये द्वार कोशिकाएँ अर्धवृत्तकार और जो है वृत्तकार अधिकतर पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित होती है, जैसे कि आम और नीम एग्जाम्पल है। ठीक है ना, आम और जो नीम है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है एक बीजपत्री, एक बीजपत्री जो है कहते हैं एक बीजपत्री में जो होता है द्वार कोशिका दुर्गा सम और दोनों सतह पर उपस्थित होती है। जैसे कि मक्का में आप देख सकते हो जो मक्का होता है या मेजिन होती है उसमें ये चीज़ प्रेजेंट होती है एक बीजपत्री में, क्योंकि इसमें जो होता है सम और दोनों सतह पर उपस्थित होती जो है द्वार कोशिका। उसके पश्चात है मरुभद्र यानी जो है राजस्थान वाले पौधे जो होते हैं, यहाँ वर्षण कम करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है, केवल निचली सतह पर जो है ये उपस्थित होता है, ऊपरी सतह पर कम संख्या में उपस्थित होती है और धंसे हुए हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो रंध होती है वो डायरेक्टली ओपन नहीं होती है, अगर डायरेक्टली ओपन होगी तो सारे के सारे पानी जो है चूस लेगा सूर्य, ठीक है सन जो है चूस लेगा। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें जो होती है निचली सतह पर होती है लेकिन धंसे हुए होती है, जैसे नेरियल्स में देखोगे तो ऐसा ही आपको नज़र आएगा। उसके बाद है जलवोदित यानी जल जल में पौधे रहते हैं, उनमें भी कुछ खास प्रकाश संश्लेषण होती है। तो इसमें जो है ये तैरती है, पत्ती युक्त होती है और निम्न युक्त यानी जो तैरती है उसमें केवल ऊपरी सतह पर उपस्थित होती है और जिगमन पत्ती युक्त होती है उसमें रंध अनुपस्थित होती है। उदाहरण जो होगा आपको तैरती हुई वाले में जो है कमल है और दूसरा रंध अनुपस्थित होती है उसमें जो होगा हाइड्रिलिया में, हाइड्रिलिया में जो होता है रंध होता ही नहीं, स्टोमेटा होता ही नहीं सबसे पहली बात। तो इससे हम ये जान जाएंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अब जो हमारे समक्ष है वह है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्रियों की आंतरिक संरचना में तुलना, कि उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है और इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर रहता है। तो कहते हैं द्विबीजपत्री एक जो है एक बीजपत्री पत्तियों की आंतरिक संरचना की तुलना यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और समझ के लिए भी ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले तो आता है उतक। देखिए दोस्तों उतक मतलब है पार्ट उनके बॉडी के, और द्विबीजपत्री है पहला, दूसरा और सेकेंड है, थर्ड है हमारा एक बीजपत्री जिसको हम पुष्टधर या पुष्टधर पत्ती भी कहते हैं, यानी इसको जो है एक बीजपत्री को हम समद्री पश्चिमी पत्ती भी कहते हैं। तो हिंदी थोड़ा डिफरेंट वर्ड होता है, ठीक है मोनोकोट डाइकोट आपको इजीली याद रह जाएगा, द्विबीजपत्री भी हो सकता है, एक बीजपत्री से भी समझ में आ जाता है, द्वि मतलब दो, एक मतलब एक पत्री। तो ये चीज़ें भी काफ़ी समझ, देखिए कहते हैं ना कुछ बातें जो होती है हिंदी में भी स्पष्ट होती है, कुछ जो होती है इंग्लिश में भी स्पष्ट होती है। तो इसलिए जो है त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए जो है दोनों लैंग्वेज में लाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और आपको भी इसको जो है समझना चाहिए और त्रिपान स्टडी सेंटर को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, इससे जो है आपके लिए बेहतर से बेहतर किया जा सके। ठीक है, कहते हैं आप तो मुझे देख नहीं सकते लेकिन आप मेरी बातें जो है समझ सकते हो, क्योंकि कभी कभी जो होते हैं बातों भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको समझना होता है। आपने एकलव्य की स्टोरी सुनी होगी, उसके बाद बेशकली गुरु की गुरु नहीं थे लेकिन उन्होंने उसने क्या किया, गुरु का जो है प्रतिमा बना के जो है ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ पर आपके समक्ष गुरु की आवाज़ तो है, और कहते हैं पढ़ाई लिखाई में तो आवाज़ का ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। कोई शिक्षक आता है अगर वो ना बोले तो कहते हैं उसका पढ़ाना भी बेकार चला जाता है। कहते हैं जो शिक्षक होते हैं उनको बोलना ही पड़ता है और अधिक से अधिक बोलना पड़ता है। कई शिक्षक तो कहते हैं कि बोलते बोलते भी कई प्रॉब्लम भी में फंस जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि मैं इतना देर आपके समक्ष बोलता हूँ, आपके लिए जो है हर तरह की बातें समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज बनता है ना कि इसको शेयर कीजिए, दूसरों बच्चों को बताइए, इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि इससे प्रोत्साहन बढ़ेगा मुझे और मुझे खुशी मिलेगी कि कम से कम बच्चे तो देखते तो हैं, समझ में तो आता है। क्योंकि मेरा एक विचार और भी है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है अगर कुछ गलतियां हो रही है इसमें तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है कि अगर आप मुझे गलतियों को बताइएगा तो मैं इसको बेटर से बेटर करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छा करूंगा। देखिए मैं जानता हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है परिपूर्ण नहीं है, मेरे से बेटर आप लोग जानते हो और आप लोग से बेटर भी दूसरे बंदे जानते हैं, लेकिन मैं जो हूँ सिर्फ सिलेबस के रिगार्डिंग आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े और सिलेबस के रिगार्डिंग जो है आप अपना टॉपिक इसमें से सिलेक्ट कर सको। ठीक है, तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कमेंट कीजिए, बताइए और सजेशन भी मुझे दीजिए, जो कि बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर द्विबीजपत्र एक बीजपत्र यानी मोनोकोट डाइकोट के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इसमें है क्या। सबसे पहले तो उतक ही आती है जिसमें बाहर त्वचा के बारे में बताया गया है, जिसमें रंध आती है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होता है, अधिकतम निचली बाहर
उपस्थित होती है द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री में दोस्तों जो होता है अधिकतर निचली बाह्य त्वचा पर ये उपस्थित होती है, और एक बीजपत्री में क्या होता है दोनों ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर स्थित होती है ये, ठीक है। उसका दूसरी बात बताता है कि बिलोफॉर्म, बिलोफॉर्म कोशिका क्या होती है, ये होती है द्विबीजपत्री में अनुपस्थिति, अनुपस्थित होता है, और एक बीजपत्री में क्या होता है उपस्थित होता है। तो ये काफ़ी इसके लिए विशिष्ट बनाता है। उसके पश्चात है पर्ण मध्योत्तक। पर्ण मध्योत्तक का मतलब होता है ये जो है खम्भोत्तक यानी स्पॉन्ज मुद्रक में विभेदित होती है, यानी केवल स्पॉन्ज मुद्रक उपस्थित होती है, यानी ये जो होती है थर्ड के लिए होती है। उसके पश्चात है संवहन तंत्र। संवहन तंत्र के लिए पहले के लिए जो है जाल क्रम के रूप में उपस्थित होती है, बट थर्ड के लिए पांति में उपस्थित होती है, ठीक है। उसके बाद है वैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें वैस्कुलर सिस्टम जो होती है संवहन तंत्र में, जो संवहन पुल मध्य सिरा में बड़ा बाकी छोटे पत्ते किनारे में स्थित होती है, बट थर्ड में जो होती है संवहन पुल अधिकतम सामान्य माप के होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। उसके पश्चात जो है विशिष्ट लक्षण। देखिए कुछ लक्षण के बारे में हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने पत्ते के बारे में इतने कुछ जान चुके हैं लीफ के बारे में, तो उसके कुछ लक्षण भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही आता है बुल्ली फॉर्म कोशिकाएँ। बुल्ली फॉर्म कोशिका का मतलब होता है मोटर सेल, ठीक है। यानी ये विशेष प्रकार की कोशिका यानी प्रेरक कोशिका मोटर सेल है, जो मक्का और बाजरा ज्वार आदि जो कुछ एक बीजपत्री पत्तों पादपों की पत्तियों की ऊपरी सतह पर ये उपस्थित होता है। ये मक्का बाजरा ज्वार आदि जो कुछ एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों की ऊपरी सतह पर ये उपस्थित होता है। उसके बाद है संफिति। स्फीति मतलब में बदलाव होने से ये पत्ती जो होता है गोल होने तथा खुलने में मदद करता है। ये गोल होता है और खुलने में मदद करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है खासकर गर्मी के मौसम में दोपहर में वर्षोजन दर अधिक होने के कारण जब इन कोशिकाओं में जल हानि होती है तब पत्ती जो होती है बिल्कुल गोल हो जाती है। देखिए दोस्तों गर्मी में खास तौर पे इसके जो होती है दोपहर के समय इसकी कोशिकाओं जो होता है जल के हानि के बचाने के लिए पत्ती को जो है बिल्कुल ही गोल कर देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है। अंततः जो इसके पॉइंट अगला है, अंततः यह जो है शुष्क परिस्थिति में रंध्रों में जल वाष्प की हानि को कम करता है। तो ये यानी आप कह सकते हो कि इसमें जो होता है शुष्क परिस्थिति में रंध्रों में जल वाष्प की हानि को कम करना इसका खासियत है। उसके पश्चात है रोम। देखिए रोम जो होती है दूसरा पॉइंट है, ये शुष्क परिस्थितियों में जो है उगने वाले अधिकांश पादपों की पत्तियों पर जो रोम पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। देखिए रोम का कार्य जो होता है वाष्पोत्सर्जन यानी जो होती है इसका वाष्पोत्सर्जन उसको कम करने का जो है सबसे इम्पोर्टेंट कार्य सौंपा जाता है। इसका जो है ये पत्तियों को तेज धूप ऊँचे तापमान तथा वायु प्रदूषण से भी बचाती है। देखिए पत्ती का काम जो होता है कि ये जो होते हैं धूप और उच्च तापमान तथा वायु प्रदूषण से भी बचाना इनका एक महत्वपूर्ण कार्य बनता है। उसके पश्चात है जलरंध्र यानी हाइड्रोडेडेट्स यानी वाटर स्टोमेटा। देखिए ये विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं जो अद्र एवं नम यानी ह्यूमिडिटी जलवायु में उगने वाले जो है आवृतबीजीय पादपों जैसे गार्डन नष्ट सीम्स की पत्तियों में पाए जाते हैं। इनके द्वारा जल के उत्सर्जन द्रव्य के रूप में यानी बिंदु स्वाद यानी गोटेशन में पाई जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष कुछ डायग्राम है जिसको आप देख सकते हो जो कि स्टोमेटा के बिल्कुल स्टोमेटा जैसे ही दिखते हैं। एक जलरंध है और दूसरा जो है द्विपत्री उपकरण, जिसमें पहले में जो है आपको सभी चीज देख रहे होंगे द्वार कोशिका रंध्र कक्ष एपिथेलियम अंतर कोशिकाएँ एपिथेलियम ट्रैकिया, जबकि दूसरे साइड आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्टोमेटा का बहुत ही डिजिटल चित्र दिखाया गया जिसमें द्वार कोशिका है एपिडेमस कोशिका है क्रोडोफ्लास्ट है और स्टोमेटा है। देखिए दोस्तों ये बनाना भी बहुत ही आसान है आपके लिए और आपको याद भी करना अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है। तो दोनों कंडीशन के लिए जो है चित्र जो है डायग्राम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष जो है रंध्र एवं जलरंध्र में क्या अंतर है। देखिए एक तो रंध्र है, ठीक है, एक है जलरंध्र। तो जलरंध्र और रंध्र में क्या अंतर है, तो लक्षण हम देखेंगे उसका जलरंध्र और रंध्र में देखेंगे। पहला तो लक्षण में यह आता है माप या आकार। तो कहते हैं जो जलरंध्र होता है वो आकार में बड़ा होता है जबकि रंध्र जो होता है बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है। स्थान जो है पत्तियों के किनारे सिराओं के अंत में उपस्थित होता है, पत्तियों के सिराओं से अंत में स्थित होता है जलरंध्र, जबकि रंध्र जो होती है पत्तियों की संपूर्ण सतह पर उपस्थित होती है, पूरे पत्तों पर जो होता है आपका स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। कि जलरंध्र में जो होती है पत्तियों के किनारे स्थित होता है। अब देखिए इसकी भी खासियत है, अब संरचना लक्षण में जो है संरचना, देखिए संरचना जो होती है जलरंध्र में वो
सदा खुले रहते हैं, ये सदा ही खुला रहता है क्योंकि जल में है तो पानी हर्ष के होने की क्या चांसेस होते हैं। बल रंध्र में जो होती है उसमें जो होती है प्रकाश की तीव्रता अनुसार खुलते एवं बंद होते हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों, अब इसके तो पानी ही पानी है जलरंध्र में, तो वो तो भाई खुला ही रहेगा, और रंध्र में जो है पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये तो समय के अनुसार ही खुलेगा। तो कहते हैं दोनों में अपनी एक खासियत के साथ ये आगे बढ़ता है। उसके बाद जल हानि, देखिए जल द्रव्य रूप में निकलता रहता है, उसमें जो है लवण एवं शर्कराएं खुले होते हैं, ये किस में होता है जलरंध्र में। लेकिन रंध्र में कहते हैं जल की हानि वाष्प रूप में होती है, इसमें जल की हानि तो होती होती है, बट जलरंध्र में ऐसा नहीं होता। जलरंध्र जल द्रव्य रूप में निकलता है तथा उसमें जो है लवण तथा शर्कराएं घुले हुए होते हैं, यानी घुला ही रहता है, यानी पूरी तरफ से देखा जाए तो चारों तरफ से इसके जो है दो चारों हाथ जो है घी में है। उसके बाद जल हानि तो हो गया। उसके बाद उपस्थिति, देखिए उपस्थिति जो है स्थानों के पादप में उपस्थित होता है, स्थानों के पादप में उपस्थित होता है वो जलरंध्र होती है, और रंध्र कहाँ होती है समस्त जलवायु के पादप में उपस्थित हो, जो भी जो आते हैं जो भी जलवायु में पाए जाते हैं सभी पेड़ पौधों में जो है ये पाए जाते हैं पत्तियों में। उसके बाद कार्य की प्रक्रिया, यानी जो है जल रंध्र जो होती है बिंदुस्वत रहती है, जबकि यहाँ पर रंध्र में जो है वाष्पोत्सर्जन करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक जो है हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, ये टॉपिक जो था बहुत इंपॉर्टेंट था सभी क्लासों के लिए, क्योंकि स्टोमेटा जो है हर एक क्लास में इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक समझती तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि वीडियो आधा घंटा का है कि एक घंटा का है, आप सिर्फ ये सोचिए कि इससे आपको क्या ज्ञान प्राप्त हो गया। आपको पता है आपका लेक्चर भी जो होता है ना वो भी 45 या एक घंटा का होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आधा घंटा में क्या समझाया जा सकता है किसी को, वो तो ऊपर ऊपर की बातें समझाया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है विस्तार से समझना है। आप 12वीं क्लास के बच्चे हो और 12वीं क्लास के बच्चों को हर एक जो है रीजन समझ में आना चाहिए, तभी तो आप जब BSc करोगे बॉटनी करोगे तो उसमें जो है आपको सारी बातें का नॉलेज होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, नहीं तो आप शक्ल देखते रह जाओगे दूसरे बच्चों को, और ये सब बातें आप जान जाओगे ना तो फटाफट आप सबको नाम बता दोगे। तो यही बात इंपॉर्टेंट रखता है, यही बात तो है जो है तिरपान स्टडी सेंटर को अलग करता है सभी टीचरों से, ठीक है, सभी इंस्टीट्यूटों से अलग करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है विस्तृत है और जो है सिलेबस 22 है। अगर आप उतना भी कर लेते हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम को करने में सक्षम हो जाओगे, ठीक है। और इसमें कहते हैं बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ेदार था टॉपिक, आगे जो है हम फ्लावर के बारे में जानेंगे समझेंगे, फ्लावर के टॉपिक करेंगे। तो आप इसी तरह तिरपान स्टडी के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान से संदर्भ आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th class, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th semester तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।